आज के दौर में भी यदि कोई भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी बातें करे तो सहज यकीन नहीं होता। लेकिन कोतवाली थाना अंतर्गत आजाद पार्क में शुक्रवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक ढोंगी बाबा अपनी दुकान लगाकर भोले भाले लोगों से उनकी परेशानी खत्म करने के नाम पर रुपए ऐंठ रहा है। शुक्रवार सुबह आजाद पार्क में अपनी दुकान लगाए बैठे धोलाभाटा निवासी राधेश्याम उतारे का सामान राई, लौंग, पताशे, नींबू, सिंदूर, काजल, मिट्टी की कुंडी सहित कई चीजें लेकर भोले भाले लोगों से रुपए ऐंठने का काम कर रहा था। इसी बीच पुलिस का मुखबिर जीतू फारकिया अपने दोस्त काजीपुरा फायसागर निवासी राजेश के साथ ढोंगी बाबा के पास अपनी समस्या से निजात पाने के लिए बैठ गया। बाबा ने राजेश से 100 रुपए लिए और दोनों के सर पर हाथ फेरने लगा। वहीं स्वामी न्यूज ने इस पूरे घटनाक्रम स्ट्रिंग अपने कैमरे में कैद किया। पुलिस में इंस्पेक्टर है, ये कट सत्यनारायण जी भाटी है, बीकी लड़की रेखा, बीक तो बच्चे तो बड़े हो गए, एक बार अठा की है अहमदाबाद। देखिए तो दवाई के लिए अगर तेल बनाओ भाजी, आपके इलाज से लड़का या लड़की जो चाहो वो मिल जाए। हो कैसे मतलब? और ये की दर्द हो? अच्छा, इन्हें कहीं करो अब जान था के दर्द हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो एक बीज लिखा और बीज वो कर दे। बच्चा बच्चे के लिए तो कहीं उतारो पड़ने पड़ेगी, मैसेज के मैसेज में लानी पड़ेगी। पटक पटक नहीं था उठी ले सर की जगह या और पट कहीं नहीं, ऐसे उतारा कर लिया ना। हाँ हाँ, ये उतारा कह रहा एक ताबीज देगा। हाँ, एक का तो कमर को बांध बांध देगा। हाँ ठीक है, मारे अरे बैंक देगा था। हाँ हाँ, आगे तो ब्याह नहीं करना पड़ गया। सर यहाँ बैठते हैं आते हैं लोग तो देखते हैं, तो हम भी सोचे हम भी चले, इसलिए हम आए थे। तो इन्होंने मेरे को 1500 रुपये बताए थे, मैंने बोला मेरी जेब में अभी नहीं है। फिर बाद में किस बात के 1500 बोला कुछ, तो जो उतारा उतारा करने के बताया, उतारा उतारा करना है और उसके 1500 रुपये लगेंगे, बाकी तुम्हारा काम सही हो जाएगा। फिर बोला अभी नहीं है कुछ मेरे पास, तो बोला कि चलो ठीक है तुम ऐसा करो मेरे को 100 रुपये दे के जाओ। तो फिर मैंने 100 रुपये दिए थे। ये बताओ लड़का लड़की होने वाली बात भी बताया? हाँ, ये भी बताई थी। क्या बात? बोला कि हम आशीर्वाद दे देंगे तो लड़का लड़का होगा, और हम आशीर्वाद नहीं देंगे तो लड़की होगी, कुछ भी हो सकता है, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बता दी। वही आजाद पार्क के चौकीदार हेमराज की माने तो बाबा ने अपनी दुकान पिछले 4 साल से लगा रखी है और बाबा के पास कई महिला पुरुष आते हैं जिन्हें बाबा अपनी फर्जी तांत्रिक क्रियाओं से जाल में फंसा कर रुपए ऐंठते हैं। कोई भी यात्रु आते थे यहाँ पे, इनके मिलना कोई तकलीफ या कोई किसी प्रकार की तो उनको दिखाने के लिए यहाँ आते थे और यहाँ के वो बताते थे जो चीज़ें, ये लानी, ये राई है, लौंग है, ऐसे 4-5 आइटम मंगाते थे और उनको देखने के लिए। कितने साल से चल रहा था ये? 4 साल से है मेरे, मतलब मैं आने के बाद में ये यही देख रहा हूँ इसी पार्क के अंदर। कितने लोग आते हैं रोजाना? 5-10 आदमी रोजाना आते हैं। किस किस तरीके का इलाज करवाता था ये? अब ये तो इलाज तो देखो, कोई पेट की भी बताओ, कोई सीने मतलब बच्चे बच्ची ने हो उसकी बताए, शराब चुड़ाते हैं, वो कराते हैं, ऐसे काफ़ी मतलब हर प्रकार की बीमारी का बताते हैं। औरतें भी आती थी? औरतें भी आती। शरीर के आघात भी लगाते? शरीर मतलब देखता कि भाई यहाँ दर्द है तेरे, यहाँ दर्द है, ये ऐसे हाथ लगा के देखता था। उतारा के सामान तैयार कर रहे थे, इस टाइम पुलिस वाले आ गए लेगी। फर्जी तांत्रिक क्रिया की सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने भी ढोंगी बाबा से पूछताछ की तो बाबा ने बताया कि वह लोगों के हाथ देखकर उनकी समस्याओं से निजात दिलाता है। बरहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर तांत्रिक प्रक्रिया में काम में लिया जाने वाला सामान जब्त कर लिया है। सूचना मिली, एक व्यक्ति जो आजाद पार्क के अंदर बैठा है और वो लोगों को उल्लू बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। इस पर मौके पर गए तो एक लोग का बेटा हुआ मिला, जो कुछ जिसके पास वो बेटा था उससे बातचीत की, और तो उसके पास एक व्यक्ति बेटा था वो तो हमारा देख के चला गया था। वो ये लोगों को कुछ बीमारी का बहाना हाथ देख के कहता कि तेरे ये बीमारी है, इस प्रकार उनके साथ बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे लेने की कोशिश करता है, इसलिए हमने उसको 100 रुपये। कैशलेस ट्रांजेक्शन के चक्कर में एक मजदूर को डेबिट कार्ड बनवाना भारी पड़ गया। जैसे ही मजदूर के घर बैंक द्वारा नया डेबिट कार्ड पहुंचा, उसके मोबाइल पर किसी ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और डेबिट कार्ड के संबंध में पूछताछ करते हुए पीड़ित जंगलाराम से उसकी सारी डिटेल ले ली और कुछ ही मिनटों में मजदूर जंगलाराम के खाते से 70,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी कर
चूना लगा दिया। जैसे ही जंगलाराम के फोन पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगलाराम ने बताया कि उसने तत्काल अपने डेबिट कार्ड बंद करने के लिए बैंक से अनुरोध किया, साथ ही पुलिस थाना सिविल लाइन पहुंचकर ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहा, लेकिन पुलिस ने शिकायत ना लेकर उसे ज्ञान देकर रवाना कर दिया। स्वामी न्यूज को अपनी व्यथा सुनाते हुए पीड़ित जंगलाराम ने बताया कि उसकी बेटी की शादी होनी है, लिहाजा उसने बड़ी मुश्किल से करीब 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे। कल ही उसकी बेटी को देखने लड़के वाले घर आए थे और इसी बीच उसके साथ यह घटना घटित हो गई। फोन आया करीबन 6 बज गई थी, तो 6 बजे कॉल आई थी, तो क्या आपने एटीएम, आपको एटीएम मिल गया क्या? जी मिल गया सर। ठीक है, उसके ऊपर के नंबर दो जो आपका पुराने एटीएम के अब पैसे नए में अपलोड कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये नंबर कह करके उसने जो ही उसका नंबर लिखा और फ़ोन रखने नहीं दिया, बोल दिया कि सर आप फ़ोन मत रखो और मेरे को जो जो डिटेल मेरे को ये इसमें आती है वो बताओ। दो तीन बार झट लगते ही मेरे को ज़्यादा मैसेज आने लग गए, तो मेरे को अपलोड पैसे लिखे हुए आ गए उसमें, तो जो ही पैसे लिखे हुए आए तो मेरे को एक तो डाउट हो गया ये तो पैसे काट रहा है, तो मैंने जो ही मेरे को मोबाइल बंद कर दिया, बंद किया फिर वापस फोन आ गया, तो मेरे मकान के सामने वाले रहने वाले को उससे मैंने बात करवाई थी, तो बात करवाई कि वो बोला कि आपके पैसे कट रहे हैं तो आप चौकी चलो। कितने रुपए कट गए आपके? उसमें से 70,000 रुपये करीबन कट गए। कितनी बार? करीबन 4 बार या 5 बार ऐसे मैसेज है इसमें।